आखिर क्यों हटाया रोहित को एमआई की कप्तानी से? नीता अंबानी ने खुद किया खुलासा, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की। दरअसल आपको बता दें कि भैया जहां पे अब यहां आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन का आयोजन 19 दिसंबर को दुबई के कोलाकाल कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है। साल 2024 के आईपीएल ऑक्शन में 333 खिलाड़ियों की बोली लगने वाली है, जिसमें दुनिया भर के कुछ वर्ल्ड खिलाड़ियों का भी नाम शामिल हो गया है। लेकिन 19 दिसंबर को होने वाले आईपीएल ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने एक बड़ा झटका लगाया, क्योंकि रोहित शर्मा के बाद मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान माने जाने वाले खिलाड़ी बुमराह बुरी तरह चोटिल हो गया है, जिसके चलते उनके आईपीएल सीजन 2024 में भाग लेने पर भी बड़ा सवाल उठ गया है। जी हां, अब लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जहां पे यहां गुजरात के कप्तान हार्दिक पांडे अब यहां मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ चुके हैं गुजरात को छोड़कर, और वहीं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज आईपीएल क्रिकेट साल 2018 से मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने अपने शानदार बल्लेबाजी के प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस के साल 2019 और साल 2020 को आईपीएल सीजन में जिताने में अहम भूमिका निभाई है। और आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि यहां पे रोहित शर्मा है। जी हां, रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी की थी। लेकिन अब यहां पे देखा जाए तो भैया अब यहां पे एक बड़ा बदलाव होगा 2024 में कि आखिरकार यहां हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे 2024 में। और नीता अंबानी ने यह साफ कह दिया कि अब हम यहां पे रोहित शर्मा को आराम देंगे, वो खेलेंगे टीम इंडिया के साथ, वो हार्दिक पांडे को समझाएंगे, बट कप्तानी की जिम्मेदारी अब यहां पे हार्दिक पांडे करेंगे। तो आपकी क्या राय इस बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।